आपको रूबरू कराने का, तो चलिए सीधा नजर डालते हैं। खबर है बलिया से। बलिया जहां लोक नायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव के पास जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट पर 11 अक्टूबर उनके जन्मदिन के 119वीं वर्षगांठ बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाई गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह 500 से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोक नायक जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह 5000 से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोक नायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति को नमन करते हुए जेपी के आदर्शों की अपने दैनिक जीवन में प्रेरणा स्रोत अमृत पान करने को कहा। इसके अलावा पूर्व भाजपा सांसद भरत सिंह, सभा संचालक हरिकंचन सिंह, शक्ति सिंह, सुनील सिंह, शिवजी सिंह, शुभम सिंह, दीपू सिंह, मंटू बिंदु, मंडल अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद हिंद, विजय बहादुर सिंह के अलावा अन्य सम्मानित लोग वरिष्ठ नागरिक मंच पर मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं राजेश कुमार सिंह, इंडिया 24/7 लाइव से मैं मौजूद हूं आपके साथ बलिया से 45 किलोमीटर पूर्व सिताब दियारा, एक ऐसी धरती जहां के इतिहासों के दर्पण में एक कर्मयोगी का जन्म हुआ। 11 अक्टूबर 1902 को आपको बताते चले हैं कि एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लोकनायक जयप्रकाश जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजेंद्र प्रसाद विद्यापीठ से शुरू की, तत्पश्चात शादी किया। इनकी पत्नी का नाम प्रभा था। शादी के कुछ दिनों के बाद वो साबरमती आश्रम में अपनी पत्नी को छोड़कर उस शिक्षा के लिए कैलिफोर्निया के विद्यालय में गए। वहाँ से उन्होंने अपना उच्च शिक्षा हासिल की। इसके बाद 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान से इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और फिर 8 अक्टूबर 1979 को वो अपने अंतिम सांस लेते हुए उनकी विदाई हो गई। सबसे पहले मैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मैं ऐसी पवित्र धरती को बारंबार नमन करता हूं। थैंक यू। भारत के प्रजातांत्रिक क्षेत्र का महानतम साधक का जयंती था जयप्रकाश नारायण जी का। उस जयंती को हम लोगों ने उत्सव के रूप में मनाया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ आज कम से कम 5000 लोगों के साथ आकर के हमने जयप्रकाश नारायण की धरती को प्रणाम किया है और आज से मैं अपने राजनीतिक इस चुनावी अभियान का शुरुआत किया है। एक तरह से मान के चलिए कि मैं साधक की धरती से अपने राजनीतिक 2022 के चुनाव अभियान का शुरुआत किया है। जो बैरिया की सड़कों की दशा है, देखिए बैरिया की सड़कों की दुर्दशा नहीं है, केवल NH-31 का दुर्दशा है। NH-31 की दुर्दशा के पीछे मैं भी अपने को दोषी मानता हूँ, और लेकिन अपने से दोषी ज़्यादा मानता हूँ पूर्व सांसद भाइयों का कि अब 7.5 वर्षों में एक सड़क भी नहीं बनवा पाए। तो आप दोबारा सरकार आएगी तो बनेगा ये? नहीं नहीं, पहले बन जाएगा। कल हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, आदरणीय सांसद जी भी थे, आदरणीय सांसद जी की उपस्थिति में हम लोगों ने मांग किया है, सब लोग मांग किए हैं कि सड़क को तुरंत बनाया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? पूरे देश में संदेश हम देने लायक नहीं है। अपने क्षेत्र की जनता को संदेश दूंगा कि जिस तरह से मैंने 4-5 साल सेवा आपका किया है उसमें कहीं से भी कोई ढील नहीं आने दूंगा। और पुलिस प्रशासन, चाहे कर्मचारी, चाहे वो जो व्यभिचारी, चाहे अत्याचारी, जितने लोग अत्याचार समाज के साथ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ मेरी दृष्टि हमेशा बनी रहेगी और द्वावा में शांति स्थापित करने के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करने का प्रयास करूंगा। वहीं सपा के जो मंत्री है अखिलेश यादव, उनका कहना यह है 30 बार भाजपा की सीट भी नहीं आएगी सफा। ऐसा है कि कुछ लोग स्वप्न देखते हैं, गौरी प्रधान, तो कुछ लोग स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न जब नींद खुलती है ना तो वो जो है वो स्वप्न लगता है कि नहीं वो तो दीवा था, वो व्यर्थ था, अनर्थ था, वो सत्य नहीं था। तो वो स्वप्न देख रहे हैं अखिलेश जी, चूँकि रहे हैं मुख्यमंत्री रहे हैं तो स्वप्न देखना स्वाभाविक है, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है कि फिर जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
जी इसी मैदान में दो आवेशी भी उतर रहा है प्रदेश में, आवेशी कहना हम किसी तरह भाजपा कहने नहीं देंगे। ऐसा है पत्रकार जी, मैं तो और जगह की तो बात नहीं करता, मैं राष्ट्रीय और प्रदेश का नेता नहीं हूँ, लेकिन जिसकी हिम्मत हो कोई भी बड़ा से बड़ा नेता आकर के द्वाबा की धरती पर लड़ ले, यदि मैं नहीं हरा दिया, सपा और बसपा को नहीं हरा दिया, तो फिर जीवन में कभी राजनीति में आऊँगा ही नहीं, वोट मांगने नहीं। कोई हिम्मत हो आओ ना, अखिलेश यादव लड़ करके देख लें हमसे, द्वाबा की धरती पर अखिलेश से भी हिम्मत हो तो आके लड़के देख लें, उनको हरा करके फिर इटावा भेज दूंगा।